मथुरा से बीजेपी सांसद हेमा मालिनी अयोध्या में मौजूद हैं। उनसे हमारे सहयोगी शिवांगी ठाकुर ने एक्सक्लूसिव बातचीत की है, आप भी सुनिए। अयोध्या में इस वक्त हमारी मौजूदगी है और तमाम लोग यहाँ पर प्राण प्रतिष्ठा के लिए पहुंच रहे हैं और इस वक्त हमारे साथ जो बैठी हैं उन्हें कोई भी तारुफ की जरूरत नहीं है। हेमा जी हमारे साथ हैं। हेमा जी आपका अयोध्या में बहुत बहुत स्वागत है। थैंक यू सो मच, बहुत बहुत धन्यवाद। और ये आपका पहला हम कहे दौरा है अयोध्या, आपने खुद भी मेंशन किया है, अयोध्या आकर कैसा लग रहा है आपको? अयोध्या आकर लग रहा है कि मैं अभी राम जी का दर्शन करने वाली हूँ, असली द रियल वन, ऐसा एक फीलिंग लोगों ने भी क्रिएट किया है कि हमें अयोध्या जाना है, प्राण प्रतिष्ठा हो रहा है, राम को मिलेंगे, राम जी आ रहे हैं, पधार रहे हैं, यू नो। मैम आप कलाकार भी हैं, आप एक राजनेता भी हैं और इस मुद्दे को लेकर भी हम देख रहे हैं कि राजनीति हो ही रही है, लोग तमाम राजनीति कर ही रहे हैं, तो तरह तरह की बयानबाजी भी होती है। अब राम नाम का यहाँ साथ है, माहौल है और ऐसे में इस तरह की सियासत करना आपको लगता है लाजमी है? बिल्कुल गलत है, अच्छा भी नहीं लगता है। बीइंग भारतीय होते हुए इस किस्म का राजनीति करना अच्छा नहीं लगता। राजनीति करो, अगर कोई गलत काम हो रहा है तो यू डेफिनेटली हैव एवरी राइट टू से कि ये राइट है, रॉन्ग है, ऐसा मत करो। बट ये राम मंदिर बन रहा है तो उसमें सबको आके जुड़ना चाहिए, हर किस्म के लोग, एवरी पार्टी पीपल शुड कम एंड पार्टिसिपेट एंड बी अ पार्ट ऑफ दिस ब्यूटिफुल ओकेशन विच इज़ गोइंग टू हैपन। इसका विटनेस बनना चाहिए, उसको छोड़ के गलत बात कर रहे हैं वो उनके लिए, वो मैं क्या बताऊं, कुछ नहीं। न्योता तक ठुकरा दिया है लोगों ने, वेरी सैड एंड इट इज सैड फॉर देम, नथिंग फॉर अस। वी आर इनवाइटिंग एवरीबॉडी, सबको बुलाया है, तो हमें हमें मोदी जी जिंदाबाद। तो ये तो आरोप लगाते कि बीजेपी ने राम जी को भी अपना बना लिया है। अभी तुम लोगों ने क्यों नहीं बनाया, आप लोग भी बना सकते थे ना, आजादी के बाद आपके पास कितना समय था, तो उसी वक्त आप अपना बना लेते तो हमें कोई प्रॉब्लम नहीं था, तो क्योंकि आप लोगों ने नहीं बनाया तो हमें अभी बनाना पड़ रहा है ना। आखिर में मैम तमाम दर्शक आपको देख रहे हैं, अयोध्या आप यहाँ पर आई हैं, आपकी जो एक्सपीरियंस है और तमाम लोग जो आना चाहते हैं लगातार, उनसे कुछ कहना चाहेंगे? उनसे मैं यही कहूँगी कि इतना बड़ा एक भव्य कार्यक्रम और भव्य मंदिर बन रहा है, बन गया है, अब थोड़ा दिन और भी लगेगा टू कंप्लीट होने के लिए। अभी प्राण प्रतिष्ठा होने वाला है, सब लोग विटनेस होने वाले, होल वर्ल्ड इज गोइंग टू वॉच इट। साफ तौर पर तो हेमा जी हमारे साथ हैं और अयोध्या में इनकी मौजूदगी है, यहाँ पर परफॉर्म भी करेंगी, तमाम बातें इन्होंने हमारे साथ यहाँ पर रखी और ये देखना होगा कि जब प्राण प्रतिष्ठा होगी तब अयोध्या में किस तरह की यहाँ पर दृश्य देखने को मिलेंगे। अयोध्या से कैमरा पर्सन शेर सिंह के साथ शिवांगी ठाकुर, सी मीडिया।